माय नेम इज तलवीर सागर फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं एंड ITCRE। तो CRE की सीरीज में, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में बताऊंगा कि क्या होती है एलिमेंट्री रिएक्शन, क्योंकि इसमें एलिमेंट्री रिएक्शन पर डिफरेंट चीज़ें फाइंड करने को होगा। जब वो फाइंड करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि एलिमेंट्री रिएक्शन होती क्या है, नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन होती क्या है, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। एलिमेंट्री रिएक्शन, तो एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जो एक सिंगल स्टेप में होती है, नंबर एक, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। तो ये एक जनरली बोल देते हैं कि ये सिंगल स्टेप में होती है, लेकिन इसकी जो डेफिनेशन ये होती है, जो रिएक्शंस जिनमें जो रेट है, आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, वो करस्पॉन्ड्स करता है क्या स्टोइकोमेट्री इक्वेशंस को, स्टोइकोमेट्री कोफिशिएंट को, वो क्या कहलाती हैं, आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन कहलाती हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द रिएक्शन इन विच जिसमें द रेट ऑफ रिएक्शन करस्पॉन्ड्स टू स्टोइकोमेट्री इक्वेशन और कोफिशिएंट के करस्पॉन्ड होता है, तो इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ये जैसे मैंने मान लिया कि ए प्लस बी गिव्स सी, ये रिएक्शन है, तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन यही तो लिखूंगा मैं, माइनस आर ए इज इक्वल टू के सी ए की पावर एन वन मान लो और सी वी की पावर एन टू मान लो। तो यहाँ पर एन वन और एन टू की वैल्यू कैसी होंगी, इंटीजर होंगी। एन वन और एन टू की वैल्यू कैसी होंगी, इंटीजर होंगी, राइट, कैसी होंगी, इंटीजर वैल्यू। दैट्स इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, कैसी होती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। इट इज सिंपल इन नेचर, ये नेचर में बिल्कुल सिंपल होती है। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है किसके बराबर होती है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट के बराबर होती है, किसके, एलिमेंट्री रिएक्शन में। नाउ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मस्ट बी इंटीजर इन एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या होगी, इंटीजर होगी, ठीक है, इसकी जो वैल्यू होगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं C2H5OH एथिल एल्कोहल प्लस CH3COOH एसिटिक एसिड,
जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो बनता है सी एच थ्री सी डबल ओ सी टू एच फाइव प्लस एच टू ओ। ये आपका होता है एथिल एसीटेट, राइट। ये आपकी कैसी इक्वेशन है? एलिमेंट्री इक्वेशन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, राइट। ओके थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में बात करूंगा, ठीक है।